धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी की जमकर की सराहना, कहा बीजेपी के नेतृत्व में देश की जनता को भरोसा। सोलन में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, चुनावों के लिए बनाए गए फ्लाइंग स्क्वाड, उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने दी जानकारी। सोलन में कांग्रेस महासचिव अर्पणा ठाकुर ने की पीसी, अर्पणा ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा प्रचार करने में माहिर है बीजेपी। शिमला में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने दिया बयान, कुलदीप राठौर ने जीत का किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी चारों सीटें। शिमला की ढरी मंडी में 600 रुपए प्रति बिका चेरी बॉक्स, अच्छे दाम मिलने से बागवानों के खिले चेहरे, मुंबई बैंगलोर में हो रही चेरी की सप्लाई। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में देश की जनता को ही नहीं विश्व के लोगों को भी भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि जो बढ़त हमने बीजेपी को वर्ष 2019 के चुनावों में दी है उससे ज्यादा इस बार हम देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता पहले थी उससे ज्यादा 2024 के चुनाव में है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश 5 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार चली, जनता ने हमें अपना सहयोग दिया और अब प्रदेश की जनता 15 माह के दौरान ही कांग्रेस सरकार से दुखी हो चुकी है, कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। और परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं देख रहा हूँ काफी लंबे अवसर से, काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और सारी बातों का जिक्र हो गया है। भाई और बहनों, ये चुनाव सीधा सीधा ये चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव है, यानी कि देश की सरकार बनाने के लिए ये चुनाव है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा वोट निकलने से पहले, वोट पड़ने से पहले, वोट गिनती होने से पहले ही देश के लोगों ने निकाल करके रखा है कि देश के चुनाव का परिणाम सीधा है, स्पष्ट है कि चुनाव का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट है। कांगड़ा चंबल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने अपना नामांकन पत्र भरा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, संसदीय क्षेत्र के प्रभारी परमार और विधायक पवन काजल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से वार्ता के दौरान राजीव भारद्वाज ने कहा कि संसदीय क्षेत्र की जनता ने यह निर्णय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि चंबा पिछड़े क्षेत्रों में शुमार था परंतु अब नहीं है, अब यह आकांक्षी जिला है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला चंबा को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सहित जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली हैं। हमारा जो वरिष्ठतम नेतृत्व है, विपिन परमार जी हमारे साथ थे, पवन काजल जी हमारे साथ थे, रीता जी हमारे साथ थे प्रपोजल के रूप में, और आदरणीय राजीव बिंदल जी, जयराम ठाकुर जी बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को इस बार पार्टी ने निर्देश किया, आदेश किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं और जनमानस के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करूं। उसी के निमित्त आज मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और आज के दिन पूरे कांगड़ा चंबा और प्रदेश के सभी वासियों को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तेज उनके चेहरे पर मैं देख रहा हूं, जिस तरह का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार,
हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर है। एक तरफ जहां उम्मीदवार जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में घर घर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को पत्र के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में भी बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैनमोर वार्ड और संजोली ने इस अभियान के तहत घर घर जाकर पीएम मोदी के 10 साल की उपलब्धियों के पैम्पलेट बांटे और शिमला संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के लिए वोट मांगे। वहीं कर्ण नंदा ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं कर्ण नंदा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे थे। कांगड़ा संसदीय सीट के लिए कांग्रेस को शिमला से उम्मीदवार ले जाना पड़ा और मंडी के लिए शिमला ग्रामीण के विधायक जो कि मंत्री हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का आज घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ हो गया है और इसके अंतर्गत हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी घर घर जाकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों पर लेकर एक पत्रक जो है वो हम घर घर वितरित कर रहे हैं। एक स्टिकर जो है हम लोगों की अनुमति के साथ उसको जो है लोगों के घरों पर लगा रहे हैं और साथ में किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने देश को किस तरह एक विश्व शक्ति बनाया, विश्व मित्र बनाया और एक शक्तिशाली देश बनाया उसके बारे में हम प्रचार भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कांगड़ा का जो इनका कैंडिडेट है वो इनको बाहर से भेजना पड़ा, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अगर सोलन में कांग्रेस महासचिव अपर्णा ठाकुर ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, वहीं अपर्णा ठाकुर ने कहा कि सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप अपने किए हुए कार्य जनता को बताएं। उन्होंने क्या कार्य किए हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को सम्मान के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह दे रही है, तो बीजेपी को इससे क्या आपत्ति है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि मिले? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्य करने में विश्वास रखती है और बीजेपी प्रचार करने में माहिर है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ से चारों सीटों पर विजय करेगी, क्योंकि हमारे जो चारों कैंडिडेट हैं, जो चारों कैंडिडेट हैं हमारे जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों से, वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं जो जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दों को लोकसभा में ले जाएंगे। इसलिए हम और हमारी जो तैयारी है वो इलेक्शन को लेके बहुत अच्छी है। और जो आपके सांसद थे, पहले से जो सांसद थे, उन्होंने कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे कि वो शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर सहित अन्य कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान कुलदीप ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ लोकसभा और उपचुनाव लड़ रही है। लोगों की उम्र रही है, भीड़ से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। आज के समय में कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है। इस वर्ष के अंत तक क्षेत्र के हर घर को पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि हम लोग क्षेत्र के बागवानों और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमने प्रत्याशियों का चयन भी बहुत सोच समझ के किया, चाहे विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से हो, बड़े नेता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री नंद शर्मा जी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र से हमारे युवा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस ढंग से अभी हमारे दो नॉमिनेशन अभी तक हुए हैं, मंडी और कांगड़ा, कांगड़ा में धर्मशाला में मैं खुद मौजूद था, भारी संख्या में भीड़ कांगड़ा में भी जुटी, मंडी में भी जुटी, 13 तारीख को शिमला में जो है हमीरपुर में हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है और हम इन चारों सीटों पर जो है निश्चित तौर पे विजय प्राप्त।
सोलन में लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस की तरफ से जगह जगह लगाकर चेकिंग की जा रही है। बता दें कि लोगों की नकदी सहित अन्य सामानों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं अवैध रूप से नशीले पदार्थों की भी चेकिंग की जा रही है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जो कि हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाए जा सके। हमने फ्लाइंग स्क्वाड हमारे 16 तारीख से ही एक्टिवेटेड थे और हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रूम में उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारी टीम बैठती है और उनको देखते हैं कि कितना उनकी मूवमेंट है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ज़्यादा इलेक्शन का कार्य ज़्यादा नहीं हुआ था। अब हमने कहा है कि अब उनकी ज़रा और मॉनिटरिंग की जाए, ताकि हम लोग कहीं कोई जो रास्ते का लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो छुपे आने के जो रास्ते हैं उनका। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में रसीली चेरी की धूम है। बता दें कि बागबानों को चेरी के अच्छे दाम मिलने से बागबानों के चेहरे खिले हुए हैं। शिमला की ढली मंडी में बागबानों को चेरी के प्रति बॉक्स 350 रुपए से 600 रुपए तक बिक रहा है। वहीं हाफ बॉक्स 150 से 450 रुपए प्रति बिक रहा है। वहीं ढली सब्जी मंडी के दुकानदार यशवंत शर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में चेरी की आमद करीब 3000 बॉक्स की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चेरी की सप्लाई मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता के लिए हो रही है। आगामी एक सप्ताह में चेरी का सीजन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और प्रतिदिन करीब 10,000 बॉक्स मंडी में पहुंचेंगे। ये चेरी आज डे बाई डे अराइवल बढ़ रही है। आज चेरी मार्केट में 2,500-3,000 बॉक्स होगा और धीरे धीरे मार्केट ऐसा नहीं अच्छे माल के अच्छे दाम है, पर फिर भी लगता है कि थोड़ा सा गिरावट तो है, जो हल्क उसमें गिरावट शुरू हो गई है। कहाँ कहाँ टीम बनी हुई है? अब क्वालिटी अब थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, हाइट की जो धीरे धीरे हाइट। खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।